Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Hello दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। नया हफ्ता शुरू हो गया दोस्तों, इस हफ्ते भी धमाल होने वाली है, लेकिन वैसे नहीं जो पिछले हफ्ते हुआ था। पूछो मत दोस्तों, दिन में तीन तीन वीडियोस हमने दिया, बहुत ज़्यादा बिजी था और आपने खूब सारा प्यार भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि इस वीक हम आपके लिए क्या कुछ लेके आते हैं, ऐसे प्यार और सपोर्ट आगे भी बनाए रखना। पोल की बात करें, मैंने पूछा था कि क्या माइक्रोमैक्स के नए फ़ोन के लिए आप एक्साइटेड है। ऑलमोस्ट हाफ लोगों ने कहा हाँ बहुत एक्साइटेड है, कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने कहा नहीं, और थोड़े बहुत लोग ऐसे भी है जिन्होंने कहा है पर इतना भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। खैर, वो तो जब फ़ोन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि माइक्रोमैक्स इस बार क्या कर रहा है। हमने सुबह में दोस्तों टेक्नो केमॉन 16 की अनबॉक्सिंग किया, इंटरेस्टिंग बजट स्मार्टफोन है। इनकेस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को देख लेना। बहुत सारे गिव अवेज आने वाले इस वीक में और 3 मिलियन पहुंचना है आपको, तो याद है हमने वो हमारा लिस्ट बनाया था गिव अवे का, उसको ध्यान में रखकर तगड़ा सपोर्ट बनाना। लाइक करिए इस वीडियो को 40,000, देखना चाहता हूं आज कितना लाइक होता है, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करेंगे सैमसंग से। सैमसंग की तरफ से आज बहुत सारी खबरें आ रही है, इसलिए आज की शाम सैमसंग के नाम। थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी फिट इंडिया में दोस्तों अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ था, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, उसका ही सक्सेसर गैलेक्सी फिट 2 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। AMOLED डिस्प्ले, कलरफुल वॉच फेसेस है, 15 दिन की आपको बैटरी लाइफ मिलती है, वाटर प्रूफ है, और उसके अलावा बहुत सारे फिटनेस वाले फीचर्स मिलते हैं। जो प्राइस है वो 4,000 रुपए की है। हाँ, सैमसंग का फिटनेस बैंड है, और अगर आपको इंटरेस्ट है एक नॉन चाइनीज फिटनेस बैंड चाहिए तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 की पहली बार कुछ फोटोज और रेंडर्स बाहर निकल कर आ चुके हैं, और देखकर दोस्तों मतलब कुछ नया नहीं लग रहा है, S20 सीरीज जैसा ही लग रहा है। पीछे का कैमरा का कटआउट भी थोड़ा सिमिलर लग रहा है, सामने देखेंगे इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल रही है, तो हाँ कुछ वैसे आपको मिल सकता है। और इस बार बताया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में जनवरी में ही दोस्तों ये फोन आ जाएगा। अक्सर सैमसंग फरवरी में लॉन्च करता है, उनका अनपैक्ड इवेंट होता है, लेकिन नहीं, जनवरी 2021 में ही आ जाएगा और फरवरी से ये सेल पर भी चला जाएगा, क्या पता उसके बाद तुरंत हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए। खैर दोस्तों, सैमसंग का जो एक्सिनोस 9925 वाला जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो अगले साल आने की बातें हो रही है, इसमें इस बार आपको AMD वाला GPU मिलेगा। यस, हालांकि 2019 में सैमसंग ने AMD के साथ में पार्टनरशिप अनाउंस तो किया था, लेकिन वो सारी चीजें अब 2021 से लागू होगी। तो जो एक्सिनोस चिपसेट हमें अगले साल सैमसंग के मिलेंगे, उनमें आपको AMD GPU मिलेगा, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको बहुत ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस इस बार जो वो देखने को मिलेगी। साथ में सैमसंग का रिवॉर्ड योरसेल्फ करके एक ऑफर यहां पर जो वो शुरू हो चुका है, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 17 नवंबर तक दोस्तों आपको टाइम मिल रहा है। आपको बहुत सारे सैमसंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर अलग अलग तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अगर आप परचेस करते हैं तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आधी कीमत पर आ जाते हैं। तो मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दिया हूं, लिंक्स भी दे दिया हूं, तो आपको वहां पर और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने शुरू में क्या बोला था कि आज की शाम सैमसंग के नाम। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फाइनली दोस्तों, Xiaomi ने वर्ल्ड में सबसे पहला 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी अनाउंस कर दिया है। हमें 2021 में 100 वॉट वायरलेस चार्जिंग वाले फोन्स मिलेंगे, ये तो हमें डिजिटल चैट स्टेशन ने पहले बताया था, लेकिन उससे पहले 2020 के अंदर Xiaomi ने 80 वॉट वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी लेके आ गया है, जहां पर दोस्तों ये 8 मिनट्स के अंदर आपके फोन को, अगर उसमें 4000 mAh की बैटरी है तो 50% चार्ज करेगा, और 19 मिनट में फुल चार्ज कर देगा, जो बहुत बड़ी बात है, वायरलेसली हो रहा है दोस्तों। और 1 मिनट में उन्होंने ऐसा भी बताया कि 10% आपके फोन को ये चार्ज करेगा, और अभी तक ऐसे कोई फोन्स नहीं आए जिनमें ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट होगी। मे बी मी 11 या क्या पता मी 20 जो आ रहे सीरीज, नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसमें हमें ये न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। लेकिन वायरलेसली दोस्तों 80 वॉट जो आपके फोन को 19 मिनट में फुल चार्ज करेगा, सबसे पहले इसकी शुरुआत Xiaomi ने कर दी है। ये है Oppo F17 Pro का स्पेशल दिवाली एडिशन फोन। जी हाँ, पहले तो इस पर ये बैक केस है, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। हालांकि ये भी एक स्पेशल दिवाली केस है, जो कुछ इस तरीके का है, दिवाली के कुछ आइकन से दिया वगैरह लगाया हुआ उस पर, और गोल्ड एडिशन, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही चमकीलेदार लग रहा है, और जो कैमरे का कटआउट उस पर भी मस्त भारी गोल्ड डिजाइन दे दिए, तो देखकर काफी बढ़िया लगता है। इस पे वैसे थीम्स भी उन्होंने चेंज कर दिए, आपको दिवाली स्टाइल थीम मिलती है, आइकन्स भी उन्होंने बदल दिया है, तो हाँ देखने में थोड़ा जो वो डिफरेंट लगता है। बाकी बॉक्स में उन्होंने पावर बैंक भी दिया है, जो मुझे बहुत ही जरूरत पड़ेगी। अब इसको बंद करते हैं।
दोस्तों Flipkart का बिग बिलियन डे सेल चालू है और लोग भारी तादाद में शॉपिंग कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरीज में लोग टूट पड़े, लेकिन एक चीज उसमें से सबसे ज्यादा मशहूर हो गई थी और वो है LG का G8X। 50,000 की रेंज का ये फोन था, सेल पर 20,000 पर मिल रहा था और अब बताया जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर ही 1.75 लाख यूनिट्स इस फोन के सोल्ड हुए। इतने सारे लोगों ने इस फोन को परचेज किया और कंपनी ने ये भी बताया, LG ने, कि 350 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रेवेन्यू भी जनरेट किया है इस सेल के दौरान इस फोन से, जो बहुत ही बड़ी बात है। और काफी सारे लोगों को मिला भी था, काफी सारे लोगों को नहीं भी मिला था, लेकिन हो ना हो ये फोन ने दोस्तों एक्चुअली में इस सेल में बाजी मार दिया है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कोशिश किया था और क्या आपको सक्सेसफुली मिला, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों iPhone 12 सीरीज ग्लोबली लॉन्च हुई, इंडिया प्राइस आ गई बाहर, हम बहुत नाराज हुए, लेकिन नाराजगी यहां पर खत्म नहीं हो रही है, पिक्चर अभी बाकी है। इनकेस अगर आप इनको इंडिया में परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डिस्प्ले पर गलती से भी खरोज मत आने देना, इनके डिस्प्ले रिपेयर कॉस्ट बाहर आ गई है। फिलहाल के लिए iPhone 12 और 12 Pro की आई है, iPhone 12 mini और 12 Pro Max की नहीं आई है, क्योंकि iPhone 12 और 12 Pro की सेम डिस्प्ले साइज है 6.1 इंच की। अगर आपने इनके डिस्प्ले तोड़ दिया तो 21,000 रुपए खर्चा आएगा उनको बनाने के लिए, और वो भी US प्राइस है ये, इंडिया का अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। और लिक्विड डैमेज हो गया तो 33,000 iPhone 12 और 41,000 iPhone 12 Pro। मैं OnePlus 8T ना ले लूं। खैर, इंडिया में वो लोग आपको डिस्प्ले का प्रोडक्शन प्लान दे रहे हैं, iPhone 12 mini और iPhone 12 जो वो 17,000 से स्टार्ट होता है 2 साल के लिए, और iPhone 12 Pro और Pro Max 27,000 का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये ले लिया iPhone 12 mini पर 70,000 का, तो वैसे भी पड़ रहा है 17,000 जोड़ दिया 87,000 और 2,000 का चार्जर, क्योंकि बॉक्स में चार्जर नहीं है, तो 90,000। चाइना में दोस्तों Redmi अपना सबसे छोटा यानी कि मिनी स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है, ऐसा उन्होंने Vivo पर पोस्ट करके बता दिया, जिसमें खाली मिनी समझने आ रहा है हमें। इससे ये पता चल रहा है कि Redmi का आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट यानी कि 5 इंच या उससे नीचे डिस्प्ले साइज वाला फोन मिलेगा। एक टाइम पर दोस्तों हमारे हाथ में तो ऐसी साइज के फोन होते थे, आजकल हमें बड़े बड़े डिस्प्ले वाले फोन मिल रहे हैं। इसी से रिगार्डिंग मैंने एक पोल भी रखा था, वहां पर वोट डालना, लेकिन आप मुझे कमेंट में भी बताइए क्या लगता है, ऐसे कॉम्पैक्ट फोन 5 इंच 5.5 इंच उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है या फिर 6 इंच या उसके ऊपर, जो भी है वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर हमें पता है इस साल की एंड या 2021 की शुरुआत में जियो अपने 4G और 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा। लेट मी बी करेक्ट, अफोर्डेबल रेंज के 4G और 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा। और अब जो 5G फोन से उनकी इसकी प्राइस लीक हो गई, ऐसा ऑफिशियली ऐसा लीक हुआ, ऐसा बताया जा रहा, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग लीक है, कि 2,500 रुपए से शुरू होगा दोस्तों जियो का ये 5G फोन। मैं स्मार्टफोन की बात करूं, ये फीचर फोन नहीं होगा, 2,500 से शुरू होगा और ये 4-5,000, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट आप ले रहे। बहुत बड़ी बात है, और इंडिया में अभी भी 20-30 करोड़ से ज्यादा लोग 2G फोन्स यूज करते, फीचर फोन या वगैरह जो भी है, उनको वो स्विच करने पर आगे फोर्स करेगा कि आप 5G पर आ जाइए, मतलब 2G मुक्त भारत, ऐसा करके उनका टैगलाइन भी होगा। ऐसी भी चीजें बाहर निकल कर आ गई है दोस्तों, 2,500 में 5G फोन जियो का, और क्या चाहिए। जल्दी से जल्दी जियो अपना 5G फोन लेके आ जाए इंडिया में दिसंबर जनवरी, उसके बाद तो फिर मजा ही आ जाएगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों 2014 के अंदर नासा, इनकी जो नेट वैल्यू थी कंपनी की, वो 17 बिलियन डॉलर की थी, लेकिन 2014 में ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर में एक्वायर्ड किया था, मतलब व्हाट्सएप ने नेट वैल्यू में नासा को भी पीछे छोड़ दिया था। वाह, आज की रिंग न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की रिंग न्यूज पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो देख लीजिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।